नमस्कार दोस्तों, एग्री सेट किक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं पेड या राइस में जो इंसेक्ट लगते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनकी जो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं तो उसके बारे में देखेंगे, और किस तरीके से इनका लार्वा या लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब इसको डिवाइड कई तरीके से इसको डिफरेंस बताने के लिए इनमें तो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से इनमें शामिल है, इस तरीके से इनको क्लासिफाइड किया गया है। सकिंग पेस्ट दे रखे हैं इसमें, लेफ्ट साइड में अपर में देख सकते हैं सकिंग पेस्ट हैं। ये गंदी बग्स है, ग्रीन लीफ हॉपर है, जिगजैग लीफ हॉपर है, ब्राउन प्लांट हॉपर है, WBPH है और थ्रिप्स है, मिली बग्स है। उसके अलावा नीचे स्टेम बोरर यानी कि स्टेम को अफेक्ट करने वाले पर्टिकुलर स्टेम को अफेक्ट कौन कौन से करते हैं, येलो स्टेम बोरर, व्हाइट स्टेम बोरर और पेल हेडेड स्ट्रिप बोरर और डार्क हेडेड स्ट्रिप बोरर और रागी पिंक स्टेम बोरर। राइट साइड में अपर में ऊपर दिए हुए हैं डिफोलिएटर्स यानी कि जो पत्तियों को अफेक्ट करते हैं, उनमें स्वार्मिंग कैटरपिलर, स्कीपर, हॉर्नबिलेट कैटरपिलर और ग्रास हॉपर। इसके अलावा लीफ फोल्डर होते हैं, लीफ को यानी कि बंद करने वाले एक तरीके से, या लीफ को इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, वो लीफ फोल्डर होते हैं। और गाल फॉर्मर होते हैं जो गाल बनाते हैं, गाल मिर्च और केज वर्म होते हैं। और उसके अलावा जो कम अफेक्ट करते हैं वो हिस्पा है, उनमें पत्तियों को अफेक्ट करते हैं लेकिन कम करते हैं, उनमें हिस्पा आता है। इसके अलावा नॉन इंसेक्ट भी होते हैं यानी कि इंसेक्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनमें है माइट और फील्ड रैट और क्रैब। तो आइए चर्चा करते हैं इंसेक्ट को प्रविष्टार रूप से। इसमें फर्स्ट है येलो स्टेम बोरर, इसका आप इमेज देख सकते हैं, फोटो में दिखाया गया है फीमेल और मेल में क्या डिफरेंस है। इस तरीके से कलर में डिफरेंट है, मेल के थोड़े छोटे होते हैं विंग्स वगैरह इस तरीके से। और स्क्रिपोफागा इसका नाम है, इंसर्टुलस लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है और क्रेम्बाइडिस की फैमिली है। ठीक है, येलो स्टेम बोरर की साइकिल किस तरीके से होती है, देखिए इसमें जो एग है वो 5 से 8 दिन बाद मतलब फूटता है या हैचिंग होती है उसकी, और उसके बाद फिर लार्वा अवस्था में आता है, और लार्वा अवस्था इसकी रहती है 33 से 41 दिन तक लार्वा अवस्था रहती है। उसके बाद प्यूपा बनता है, 6 से 10 दिन तक प्यूपा रहता है, फिर एडल्ट डेवलप होता है। लेकिन ध्यान रहे, प्यूपा बनने से पहले, जस्ट पहले या प्यूपा बनता है तो भोजन नहीं करता है ये किसी भी प्रकार का, तो प्यूपा की ये मेन करेक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से इसकी टोटल लाइफ साइकिल है वो 44 से 59 दिन की होती है। आप इमेजेस में थोड़ा देखें तो आपको पता लगेगा। अब ये किस तरीके से अफेक्ट करता है, येलो स्टेम बोरर देख कलर में तो येलो है ही बिल्कुल, और उससे आप पता लगा सकते हैं। फर्स्ट में जो अफेक्ट करता है ये लीफ पे इस तरीके से हो जाता है, और लीफ में, और फिर सेकंड इमेज में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से होल डेवलप करता है, ये स्टेम में डेवलप करता है, तो स्टेम इस तरीके से हो जाता है, बोर्स डेवलप करता है और ये अंदर के अंदर खाता चला जाता है स्टेम को इस तरीके से, फिर फीडिंग करता है अंदर से, तो स्टेम इस तरीके से अफेक्ट होता है। अब इसको कैसे पता लगाया जाए कि ये येलो स्टेम बोरर है, तो इसके लिए देखिए, अगर जो आपकी क्रॉप थोड़ी छोटी है तो डेड हार्ट डेवलप हो जाएगा, वेजिटेटिव स्टेज पे होगा तो डेड हार्ट यानी कि जो बीच का सेंट्रल पार्ट है वो सूख जाएगा। और दूसरा जो इसका सिम्टम है या डैमेज के सिम्टम है वो है कि इसमें जो आपकी वाइट ईयर हो जाएगी, यानी ईयर जो आपके दाने लगे हुए हैं ईयर में वो वाइट हो जाएंगे ऊपर से, पर्टिकुलर वो अलग ही दिखेगी आपको, क्योंकि वो डेड हार्ट के लक्षण है। लेकिन बाद में जब इनमें पत्तियां नहीं रहती है तो फिर ईयर में अफेक्ट होगा, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है, दोनों में अलग अलग देख सकते हैं आप। अब इसके लिए क्या बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है ये 5 से 10% डेड हर्ट करता है, और ये इसकी दी हुई। अब इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसका सेटअप, फेरोमोन ट्रैप्स लगाते हैं, 2 से 3 ट्रैप पड़े एकड़ में लगा सकते हैं उसका। और प्रिवेंटिव मेजर यानी कि पहले क्या करना चाहिए अपन को, सेटअप लाइट ट्रैप लगाने चाहिए, और अगर जो फीमेल या मोथ है उसको पकड़ सकते हैं, वो क्लिपिंग कर सकते हैं तो उसको क्लिपिंग करके मार सकते हैं। अगर जो क्रॉप लगाई नहीं है यानी कि ट्रांसप्लांटिंग से पहले पहले इनकी क्लिपिंग कर सकते हैं, और रेसिस्टेंट वेराइटी यूज कर सकते हैं। येलो स्टेम बोरर का मैनेजमेंट,
क्यूरेटिव मेजर्स में कलेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड हर्ट एंड वाइट ईयर्स, अभी इसमें जो अफेक्टेड प्लांट है उनको उखाड़ लें और उनका कहीं भी निष्पादन कर दें, यानी कि कहीं भी उनको इकट्ठा करके जला दें या किसी चीज में दबा दें, और जहां जहां भी इनके सिम्टम या डिजीज के डैमेज सिम्टम दिखे उनको उखाड़ लें प्लांट को। और इनको एग है, इनके मासेज होते हैं यानी कि ग्रुप में होते हैं, इनको इकट्ठा कर सकते हैं या उनको हाथ से हटा सकते हैं, क्लिपिंग कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं और उनको कुछ भी हटा सकते हैं वहां से। इसके अलावा फिर ट्राइकोग्रामा, ये बाद की बात है, ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम यूज कर सकते हैं। ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम यूज, ये एक तरीके से पैरासिटोइड है ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम, और इसका यूज कर सकते हैं। ये इसकी रेट है जो 40,000 पर एकड़ और 2 से 3 टाइम बार ट्रांसप्लांटिंग के बाद, ठीक है। और स्प्रे कर सकते हैं केमिकल, केमिकल में ये आपके 3 इंसेक्टिसाइड दिए हुए हैं और इनको फॉर्मुलेशन डोजेज के हिसाब से करते हैं। इसमें SC का मतलब है यहाँ पे सस्पेंशन कंसेंट्रेट है इनकी सबकी, SC लिखा हुआ है, जैसे फिप्रोनिल में लिखा हुआ है कि 5 SC यानी कि सस्पेंशन कंसेंट्रेट है, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट है ब्राउन प्लांट ऑपर, अब इमेज में देखिए ब्राउन क्यों, देखिए भूरा भूरा अलग ही दिख रहा है इसमें, और इसका नाम है नीला पर्वत अलुगंस और हेमिप्टेरा ओडरे और डेल्फिसिडी इसका फैमिली है। अब इसमें दो तरह के होते हैं ये, जिसमें कि एक नर यानी कि नर भी दो तरह के होते हैं इसमें, मैक्रो पिट्रस और स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स होते हैं, ये उड़ने में अच्छे होते हैं, इसके देखिए विंग्स अच्छे डेवलप हैं तो अच्छे उड़ने में अच्छे होते हैं। और इसके अलावा फिर दूसरा है ब्रेक पेटेरस, ये वीक फ्लायर्स होते हैं और प्रोलिफिक ब्रीडर्स यानी कि ये उड़ने में अच्छे नहीं होते हैं इतने, लेकिन ये जनन करने में बहुत अच्छे होते हैं यानी बहुजनन प्रकार के होते हैं। इसमें दो कैटेगरी है तो इनको ध्यान में रखें कि कौन सा इनमें जनन अच्छा कर सकता है, कौन सा अच्छा उड़ सकता है, तो ये दोनों का ध्यान रखें। ब्राउन प्लांट ऑफर BPH भी बोलते हैं इसको। अब इसकी स्टेज देखते हैं, लाइफ साइकिल, इसका अंडा 5 से 6 दिन की रहता है, उसके बाद निम्फ है वो 15 से 18 दिन का, और एडल्ट रहता है लास्ट जो बचे हुए दिन है उसमें 5-6 दिन जो भी कुछ है। टोटल लाइफ साइकिल चलती है 20 से 24 दिन की। अब इसमें अभी पिछले इंसेक्ट में आपने देखा होगा कि उसमें लार्वा डेवलप हुआ था और इसमें निम्फ डेवलप हो रहा है, कई में 4 स्टेज है, कई में 3 है, ये क्या है कि अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग होते हैं, इनमें कई में 4 स्टेज होती है, कई में 3 स्टेज होती है, ये मेटामॉर्फोसिस होता है इनमें, इनकी डेवलपमेंट की अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की जो अवस्था होती है वो तो होलो मेटाबोलिज्म होती है, और निम्फ में होती है ये हेमी मेटाबॉलिज्म होती है, तो दोनों का ध्यान रखें निम्फ में और इसमें। और इसका अंतर ये है कि लार्वा है ना ये तो डिफरेंट मतलब कि दिखने में अलग होता है इसके एडल्ट से, लार्वा अलग होता है जो पिछले अभी येलो वाले में बात कर रहे थे, और निम्फ है ना सिमिलर होता है हल्का सा इसके, जैसे निम्फ इसका देखिए और इसका बिल्कुल थोड़े से विंग डेवलप हुए हैं, वरना ये समान सीख है, ठीक है। और निम्फ है ये, निम्फ और लार्वा ये दोनों इमेच्योर अवस्था है दोनों की, तो ये दोनों डिफरेंस बताया था कि उसमें तो आप लार्वा बोल रहे थे, इसमें निम्फ बोल रहे, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। नेचर किस तरीके से डैमेज करता है BPH, देखिए BPH इस तरीके से डैमेज करता है, इसके जो निम्फ भी करता है, और मैं पहले बता रहा था कि इसमें सिमिलर होता है एडल्ट और निम्फ, तो इसलिए निम्फ भी हानि पहुंचाता है इसका, तो निम्फ और एडल्ट इसके जो रस है उसको चूस लेते हैं, और कहाँ से शुरू करते हैं ये सक करते हैं, जो जैसे जल भरा होता है उससे जस्ट ऊपर से शुरू करते हैं, जितना भी जैसे प्लांट जल में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, उससे नीचे नहीं करते, उससे ऊपर ऊपर अफेक्ट करते सकते हैं। और इसमें आप 3 और 4 इमेजेस में देख सकते हैं किस प्रकार से डैमेज कर रहे हैं। अब इनका पता लग जाएगा, देखिए अगर जो BPH का अटैक हुआ है, ब्राउन प्लांट ऑपर का अटैक हुआ है, तो इसमें जो ये अफेक्ट है, ये सूखे हुए प्लांट दिख रहे हैं, जले हुए दिख रहे हैं, इनमें बिल्कुल की सर्कुलर है, थोड़ा गोलाई में धब्बा दिखेगा इसका, और इसको हॉपर बर्न भी बोलते हैं। BPH किसके द्वारा होता है, BPH के द्वारा क्या होता है, तो हॉपर बर्न होता है उसका, ऐसे बोल सकते हैं, सर्कुलर पैचेज बन जाते हैं खेत में जगह जगह, देखिए। और इसके बाद आता है व्हाइट बैक प्लांट ऑपर, सोगेटेला पुर्सिफेरा, हेमिप्टेरा ओडरे और इसका डेल्फिडी फैमिली, ठीक है। निम्फ और एडल्ट, इसके भी निम्फ और एडल्ट यानी पहुंचाते हैं, और ये जो पानी भरता है उससे ऊपर के सक सेप कर लेते हैं, और प्लांट सूख के इस प्रकार के हो जाते हैं। और ये इसमें ये है, अब डब्ल्यू
WPH में और WBPH में ये फर्क है कि उसमें तो सर्कुलर धब्बे गोलाई में दिखते हैं और इसमें क्या है इरेगुलर रहते हैं, यानी कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, और मतलब आप लगा नहीं सकते अंदाजा कि इससे अफेक्ट हो रहा है, थोड़े थोड़े बिल्कुल इरेगुलर रहते हैं इसमें। और इसकी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है 5 से 10 हॉपर्स पर हिल। पर हिल इसको बोलते हैं जो पूरा एक, जैसे गेहूं का आपने प्लांट देखा हो तो एक ही स्टेम में वहां पे कई सारे लगे रहते हैं, वो पूरा हिल रहता है, यानी कि एक तरीके से उसका बॉकेट बोल सकते हैं वो, उस तरीके को उसको पूरे को हिल बोलते हैं राइस में। प्रिवेंटिव मेजर से इसमें खाली छोड़ना चाहिए खेत को, रेसिस्टेंट वेराइटी यूज करनी चाहिए, नाइट्रोजन का कम उपयोग करना चाहिए, और फील्ड को सुखाना चाहिए बार बार, यानी कि उसको अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग करना चाहिए, और नेचुरल एनिमेज का प्रयोग करना चाहिए स्पाइडर वगैरह का, और अवॉइड मैथिल पैराथियन और इनका उपयोग करें और अवॉइड करें मैथिल पैराथियन का। इसका मैनेजमेंट, इसमें डक वगैरह छोड़ सकते हैं, और इसके अलावा फंगस है मेटरिजियम एनिसोप्लाई, ये फंगस है, इसमें स्प्रे करना होता है, इस फंगस का ये ध्यान रहे, ये फंगस है। ये क्वेश्चन आया कि मेटरिजियम एनिसोप्लाई क्या है, तो ये है एक फंगस प्रकार का होता है और इसको अप्लाई करना होता है। ये फंगस अप्लाई करने के बाद ये अपना विस्तारित रूप से आगे बढ़ती है और जो अफेक्ट करता है उसको अफेक्ट नहीं होने देती है। इसमें ये रेट होती है इसके 2 × 10^8 CFU, तो CFU यहाँ पे कोनिडियम फॉर्मिंग यूनिट, यानी कि जो कोनिडियम फॉर्मिंग यूनिट है उनकी इतनी क्षमता होनी चाहिए 1 ग्राम में। और इसके अलावा केमिकल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इनका प्रयोग कर सकते हैं। केमिकल्स में EC है, WG है, EC तो इमल्सिफाइबल इंसेक्टिसाइड कंसेंट्रेट है, और WG है वाटर डिस्पर्सेबल ग्रेन्यूल। लीफ फोल्डर यानी कि लीफ को मोड़ने वाले, एक तरीके से फोल्ड करने वाले होते हैं ये। इसके अलग अलग एज एडल्ट और निम्फ वगैरह अवस्था दी हुई है, प्यूपा प्यूपा है इसमें। तो ये देखिए इसके एज हैं, ये एग्स हैं इस तरीके से, ये फिर इसका लार्वा है, ये एडल्ट है, ये इस तरीके से डैमेज करता है इसके। देखिए फर्स्ट इमेज में दिए हुए हैं ऐसे, इसके अंडे रखे हुए रहते हैं, फिर ये अंदर इसका लार्वा एडल्ट इस तरीके से डेवलप हो जाता है और फिर ये एग देना शुरू कर जाता है और इस तरीके से स्क्रैपिंग कर देता है, यानी कि हल्का ये ग्रीन नहीं रहता है और इसमें सफेद सफेद धारियां पड़ जाती है इसमें सीधी, और इनको फोल्ड भी कर देता है पत्तियों को, ये इस तरीके से हो जाती है पत्तियां, कहीं कहीं से आधी सूखी रहती है आधी ग्रीन रहती है, बीच बीच में से स्क्रैपिंग स्ट्रिपिंग बन जाती है इसमें। इसका मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग करना चाहिए, लाइट ट्रैप्स लगाने चाहिए, और पोटेशियम ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, लीफ होल्डर की समस्या हो वहां पे नाइट्रोजन का कम उपयोग करें। और क्यूरेटिव मेजर्स में ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि 5 से 6 बार उसका उपयोग करना चाहिए। और इसके ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के मेथड दिए हुए हैं यहाँ पे क्यूरेटिव मेजर्स में, इनका उपयोग करें। गालमिज कैसा होता है देखिए आप, और सोलियो राइजी डिप्टेरा और सेसिडियोमाइडी, ये मैगेट होते हैं इसके जो एपिकल बर्ड को फीड्स करते हैं एपिकल बर्ड को, और ये एपिकल बर्ड को प्रयोग खाते हैं और वहां से एपिकल बर्ड को खाते हैं जब वो रहती है तो उसको वहां से खाली कर देते हैं, और उसमें प्रवेश करने के बाद ये केमिकल क्रिएट करते हैं छोड़ते हैं उसकी, जिसको सेसी जन बोलते हैं डिसाइलेंटेस में, और टिश्यू में सेसी जन छोड़ देते हैं। डैमेज इस तरीके से हो जाता है प्लांट, देखिए इसको गालमिज को सिल्वर सूट भी बोलते हैं, ओनियन सूट बोलते हैं, और निकोम्बा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ओनियन सूट इसलिए बोलते हैं, ये क्या है कि इसकी पत्तियां फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद जो प्याज होती है प्याज की पत्तियां भी ऐसी हो जाती है मुड़ी हुई गोल हो जाती है, तो इस तरीके से ओनियन सूट बोलते हैं। सिल्वर इसका हल्का कलर ऐसा व्हाइटिश हो जाता है तो इसके लिए सिल्वर सूट बोलते हैं, ऊपर का सूट ऐसा हो जाता है।
और इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स और क्यूरेटिव मेजर्स देख सकते हैं। अब आता है गंधीवग। गंधीवग की दो प्रकार का होता है, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा और लेप्टोकोरिसा ओरिटोरियस। एमिप्टेरा ऑर्डर का है और एलिडेडी के नाम इसका फैमिली है। ये क्या है कि गंधीवग शक करता है जी उसको या उसके सेल शेप को, ये और मिल्की ग्रेन अवस्था में करता है। ये इसके अलग अलग इमेजेस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। डैमेज सिम्टम इसके ये हैं, देखिए किस तरीके से, ये फर्स्ट इमेज में देखो किस तरीके से लगा हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से फैल जाता है, ब्राउनिश स्पॉट बन जाते हैं अलग अलग ग्रेन्स पे पहले, और बाद में फिर ये डिसकलर्ड यानी कि कोई कलर का नहीं रहता है, कहीं से काला हो जाता है, कहीं से व्हाइट हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है और श्रिंक हो जाते हैं यानी कि चिपटे हो जाते हैं दाने। अब आते हैं माइट की बात, पेनिकल माइट है। पेनिकल माइट में स्टीनियो टार्सोनस टार्सोनेमस है इसमें, स्टीनियो टार्सोनेमस स्पिंकी एकारी टार्सोनिमिडे। तो इसमें ये बिल्कुल टॉप में अफेक्ट करता है, पेनिकल पेनिकल माइट नाम से पता लग रहा है, पेनिकल को अफेक्ट करता है, ग्रेन पतले चिपके हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये थे राइस के कुछ इंसेक्ट।